सभा से शुरू होकर तेज रफ्तार से बनारस पहुंचेंगे। दिक्कत है, ऑप्शन कोई नहीं है, सरकार एक ही हानि है, वही ऑप्शन है, उसी पे विश्वास कर सकते हैं। मैडम हमेशा तो यही नीत रही है कि मतलब अंग्रेजों की तरह फूट डालो और वोट ले। नोटबंदी के दौरान मेरी शादी हुई थी लेकिन मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। सरकारें देखे, घोटाले भी देखे हैं, लेकिन कल तो किस पांच साल में तो घोटाला नहीं। वो छोड़ दीजिए दबाना, मोदी जी को तो आना ही आना। वंदे भारत एक्सप्रेस ये देश की वो ट्रेन है जिसने देश की ट्रेनों की रफ्तार को एक नया आयाम ही नहीं दिया बल्कि देश के भारतवासियों का गर्व भी बढ़ाया है। इस ट्रेन में सफर करने वाले लोग यानी बुलेट ट्रेन का सपना देख रहे लोग बैलेट ट्रेन में क्या राय रखते हैं, आज ये भी हम आप तक पहुंचाएंगे। नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 16 से शुरू होकर तेज रफ्तार से बनारस पहुंचेंगे। बनारस जो देश की ऐतिहासिक ही नहीं अब इस वक्त राजनीतिक राजधानी भी कहा जा सकता है, वहां तक पहुंच रहे लोग किसकी सरकार बनाना चाहते हैं और बुलेट ट्रेन के सपने किस तरह से देखते हैं, इस T18 हाई स्पीड ट्रेन में आज रही हमारे साथ इस खास सफर पर। हाँ जी, तो आज का हमारा सफर स्पीड वाला, वंदे भारत से हम चले दिल्ली से वाराणसी, पहला सफर दिल्ली से कानपुर। तो आइए शुरू करें चर्चा चुनावी। तो आज आप ही से शुरू कर ले, हिंदी और इंग्लिश में देश क्या कह रहा है। क्रेडिट कार्ड देने का वादा कर दिया। क्रेडिट कार्ड देने का वादा कर दिया। व्यापारी क्रेडिट कार्ड है ये, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है ऐसे ही व्यापारी क्रेडिट कार्ड देने का वादा किया। वो नहीं होगा आपके पास, वो नहीं होगा ना, वो आ जाएगा। अच्छा, आप बिजनेस फैमिली से, तो अच्छा चलिए आपने मान लिया कि आ जाएगा, तो मैं ये मान लूं कि वादों पर यकीन कर लेते हैं आप। ये तो मैम एक तरीका है वोट बैंक खींचने का। वोट बैंक खींचने का, सबको पता है कि चुनाव का मौसम आता है तो वादों की बरसात हो जाती है। कितना भरोसा करते हैं आप जो चुनाव के टाइम में 72,000, 15 लाख सिलेंडर, व्यापारी क्रेडिट कार्ड, इस तरह के जब वादे होते हैं कितना भरोसा करते हैं? देखिए मैम, वादे तो बहुत किए जाते हैं बट उसको फुलफिल करना डिपेंड तो वही करता है। अब आप खुद देखिए, देयर वाज अ टाइम जब लोग सोचते थे फ्लाइट में ट्रैवल करना, आज की डेट में इट इज वेरी इजी। आई बिलोंग टू अमृतसर पंजाब, 1800 या 1500 में आप अमृतसर में एक घंटे में पहुंच जाते हो, डोंट यू थिंक सो? इतना डिजिटलाइजेशन हुआ है, ठीक है, मतलब पेमेंट्स को लेके GST एक ही जो टैक्स बनाया गया, कनाडा है, US है या और अराउंड द ग्लोब बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होंगी, तो बहुत कुछ किया है सरकार ने, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ किया। इवन दो मेट्रो जो है, पहले हम लोग सोचते थे, देयर वाज अ टाइम इन 2009 जो इफ आई एम नॉट रॉन्ग मेट्रो जो है विश्वविद्यालय से कश्मीरी गेट चली थी, अभी तो ऑलमोस्ट दिल्ली के हर कोने, एक से दूसरे कोने में जाना हो तो आपको इतना सोचना नहीं पड़ता, बस में वो धक्के और तो वजह से प्रॉब्लम होती थी कि नहीं पता नहीं सेफ पहुंच पाएंगे या नहीं, तो वो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, बहुत सी चीजें बदली। ट्रू, मतलब अभी कह रहे हैं कि वादों पर कुछ परसेंट भरोसा तो अब किया जा सकता है, अगर विश्वास नहीं करेंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। एक बच्चा अपनी माँ पे विश्वास करता है तभी उसकी उंगली पकड़ता है और चलना सीखता है। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है कि जब बच्चा भी विश्वास करता है तब वो चलना सीखता है क्योंकि उसे भरोसा होता है माँ ने जो उंगली थामी है छोड़ेगी नहीं। ये जो विश्वास है कितना इस पर नेता खरे उतरते हैं? सरकार का जो माहौल है, चुनावी माहौल है, दिक्कत है, ऑप्शन कोई नहीं है, सरकार एक ही हानि है, वही ऑप्शन है, उसी पे विश्वास कर सकते हैं, शायद और भी सरकार ला दें तो जितना हो रहा है उतना भी ना हो पाए। ऐसा नहीं, पहले मौका मिला और सरकारों को नहीं कर पाए, लेकिन इस बार काफी 5 सालों में काफी अच्छा हुआ। तो आप जो कह रहे हैं सरकार एक ही आनी है, उससे मैं वही समझूं जो मैं समझ रही हूँ? बिल्कुल, मैंने पहले ही बोला जो 5 साल में जो सरकार ने काफी अच्छा काम किया है उसी को और मौका देना चाहिए उस गवर्नमेंट, एक और मौका देना। अगर 50-60 साल से अगर मान लीजिए XYZ कोई भी पार्टी थी, ठीक है, जिसने रूल किया, इतना कुछ नहीं हो पाया, या अगर एक बात करें प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कुछ किया बट उन्हें
आगे आने का मौका नहीं दिया गया, तो कहीं ना कहीं हम लोग तो ये भी सोचेंगे अगर इन्होंने इतना कुछ कर दिया तो एक मौका और क्यों ना दिया जाए। जब बहुत सारी दालों को मिक्स कर दिया जाए ना तो किसी दाल का स्वाद नहीं आता, खिचड़ी बन जाती है। खिचड़ी भी कहाँ रह जाती है, स्वाद ही नहीं आता है उसमें। तो चावल मिक्स होते हैं तो दाल तो एक ही डाली जाती है ना, दो उससे ज्यादा तो नहीं। ये तो बहुत सारी दालें इकट्ठी करके एक बोरे में भर के डाल दी गई हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम गौरव है। कबूतरों को डाली जाती है ना भिगो के, बहुत सारी दाल रख दो कबूतर ये भी खा लेगा और ये भी खा लेगा। तो कबूतर दाना चुगेंगे कि नहीं चुगेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए ये जो है चुनाव है, सरकार है, कहाँ पे कौन से मोड़ पे आके कौन किस बंदे की पीठ में छुरा भोंक देगा हम नहीं कह सकते। वादा तो देखिए मोदी तो लगभग पूरा कर ही रहे हैं, कर रहे हैं, और टाइम लगेगा। कोई भी काम इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा क्योंकि 70 साल से एकदम बर्बाद हो चुका है, बर्बाद हो चुका जो है। अब टाइम लगेगा कोई भी चीज। अच्छा, थोड़ा सा मेहनत तो करी है। हाँ। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि होना भी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बनारस में बहुत अब इतना बनारस में चेंज आया है, बहुत चेंज आई है कि हम लोग मतलब ये चीज तो अपने सपने में नहीं सोच सकते। अच्छा, चेंज अच्छा किस तरह के चेंजेस हैं कुछ अगर आप बताए। सारे मतलब पानियों में गंदगी तैरती रहती थी, आज की डेट ये देखिए दिल्ली में पानियों में गंदगी अभी भी तैर रही है। तो ये अब यहाँ ये अब इस तरह से गंगा थी पहले, ऐसे थी हमारी गंगा ऐसी तरह थी, मगर आज जाके देखिए हम लोग ऐसे ही लेके पानी पीते हैं। 12 साल में गंगा नहाया था, आचमन कर सकते हैं। 12 साल में कंटिन्यू गंगा नहाता था डेली। अच्छा। मगर बीच में बंद कर दिया था, बंद कर दिया था। आज की डेट में पानी ऐसा है कि जैसे नीचे का सब कुछ दिखाई दे रहा है। कमाल की बात है, मतलब गंगा की सफाई वाकई एक चुनौती। रोज भी सब एकदम चमक रही है, रोज भी सफाई डेली हो रही है, सुबह शाम दिन भर मेहनत कर रहे हैं सब साफ करने वाले। चलिए आपने दो तो अच्छी चीजें बताई हैं कि गंगा की सफाई हो गई, रोड्स अच्छी बन गई। काशी क्योटो कब बनेगा आपको क्या लगता है? तो देखिए क्योटो के लिए हम नहीं कहेंगे, हमारा काशी 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 ही रहना चाहिए। क्योटो नहीं रहना चाहिए, महादेव की नगरी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इतने गाने बने हैं, इतनी कविताएं कहानियां किस्से हैं, रंग में भंगिया भंग में रंग बनारसिया, मतलब बनारस के लिए हजारों जुमले हो सकते हैं। इसीलिए बनारस के लोग ये कहते हैं कि काशी काशी ही रहना चाहिए, उसको क्योटो बनाने की जरूरत नहीं है। वाह मोदी जी, आपके कामकाज से काशी के कोमल और संदीप दोनों बेहद खुश हैं। लेकिन कहते हैं कि काशी को क्योटो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बात हैरान करने वाली तो है, लेकिन कह तो ठीक ही रहे हैं भाई। काशी महादेव की नगरी है, बस वही बनी रहनी चाहिए। आइए कुछ और लोगों से चर्चा की जाए। तो जब अच्छा अच्छा लगता है और फिर जब जब वोट पे बटन दबाना होता है, वो छोड़ दीजिए दबाना वाला, मोदी जी को तो आना ही है। आपने तो वर्डिक्ट दे दिया, आना ही है मोदी जी को। अच्छा, वो नहीं रहेंगे तो फिर नहीं। इलाहाबाद में आना है, वाराणसी में आना है, देश में आना है, नहीं आना आना है मोदी जी, आना है, आना है। बाकी सब पीछे कौन है, कोई नहीं। छोड़िए 23 मई, मतलब क्या करेंगे देश के नतीजे, कोई है ही नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है। गठबंधन की सरकार, अरे वो बुआ भतीजे छोड़िए और भाई बहन को भी छोड़िए, पप्पू घोषित हो ही गए हैं और दूसरी गुड़िया हो गई है। ये देखिए कितना अच्छा इन्होंने कहा, छोड़िए बुआ भतीजे भाई बहन सारी रिश्तेदारियां जो है एक साथ गिना के इन्होंने कहा ये साइड इधर कर दीजिए। और 23 मई के नतीजे भी इन्होंने एक ही बार में बता दिए, आएगा तो मोदी जी आएंगे। ये जुमला जो है ना हम भी सुन रहे हैं, हम कोशिश करते हैं थोड़ा संतुलन लाए बैलेट ट्रेन में और इधर उधर की भी थोड़ी बातें हो जाए, लेकिन सारी बातें एक तरफ चली जाती है। कोई है भी नहीं ना। क्यों, राहुल गांधी है ना, राहुल गांधी नहीं है, पप्पू के नाम से फेमस है और बहन भी आई वो गुड़िया हो गई। ये गुड़िया नाम अच्छा दिया है आपने। वो कह रही है मैं इंदिरा की तरह काम करूंगी, आपने उन्हें गुड़िया बना दी। इंदिरा गांधी दिखती है, एक था उनकी पर्सनैलिटी दिखती थी। ये क्या है, कुछ नहीं, ना सोचने की क्षमता, ना बोलती भी है तो नहीं लगता। वो कैसे बोलते हैं एकदम, अभी नई नई है ना अनुभव होगा तो बोल लेंगे। अनुभव नहीं, वो सब ये लोग पूरे प्रधानमंत्री के का परिवार बना, ये लोग फूड लेवल से नहीं जुड़ा है, उस लेवल से है ही नहीं है उस लेवल, बिल्कुल। दिल्ली देखा आपने, इलाहाबाद देखा, दोनों से प्रभाव बहुत। यहाँ आके तो मुझे इतना अच्छा लगे कि कब से ये था सोल्जर्स के नाम के लिए, कब से प्रस्ताव था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं, कोई ध्यान ही नहीं था, और जाके मन खुश हो गया वॉर मेमोरियल में। अच्छी बात है, भारतीय सेना का नाम अगर हो तो फिर सैनिक हम लोग के लिए सेना कितना, हम लोग निश्चिंत घूम रहे हैं, वो लोग खड़े तैनात रहते हैं, है ना, उनका कहीं नामो निशान नहीं मिलता, लेकिन ये देख के लगता है कि हाँ। तो फिर आपको कैसा लगता है जब लोग सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाते हैं, हुआ ही नहीं कुछ, सबूत लाइए। अरे क्या हम बताएं,
छोड़िए, चुनाव में लग रहा है कि जवाब मिल रहा है। हाँ बिल्कुल। आपको कैसा लगता है जब सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल होते हैं कि कुछ किया ही नहीं सरकार ने, किया है तो सबूत लाइए, जब सबूत मांगे जाते हैं तो कैसा लगता है? अब किस चीज का सबूत उनको चाहिए? सेना पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा ना। तिवारी जी सत्य, सेना है तो देश है, हम हैं आप हैं, लेकिन फिर भी सेना पर अविश्वास, भाई ये तो नाइंसाफी है। खैर आइए उनसे मिलते हैं जिन्होंने इस देश की कई सरकारों को बनते बिगड़ते देखा है। मैं इसमें 65 का हूँ। कितने चुनाव देख लिए आपने? आप समझ लीजिए कि संघ 62 वाले चुनाव से याद है। 62 के चुनाव से? आप 57 में छोटा था लेकिन उसके बाद वाला सब याद है। अच्छा। और सन 70 के बाद से तो देश की हर गतिविधि की जानकारी है, इमरजेंसी भी मैंने देखी है। अच्छा। पढ़ते समय। अच्छा। उस समय का माहौल याद आता है। इसके बाद और सब कांग्रेस सरकारें देखे, घोटाले भी देखे हैं जी, लेकिन कम से कम इस 5 साल में तो घोटाला नहीं है। घोटाला नहीं? नहीं भाई, नहीं। उसके लिए पूरे नंबर दे रहे हैं? बिल्कुल नंबर दे रहे हैं। और जो वादे किए वो कितने पूरे हुए? वादे पूरे हो रहे हैं धीरे धीरे, एक बार में नहीं होगा। आखिर बार जब आप आइएगा आफ्टर 5 ईयर्स तब पूछेगा कितने वादे। अच्छा, मतलब आप मान के चल रहे हैं कि नतीजा तय है? आपने इमरजेंसी देखी, आपने इंदिरा गांधी का निधन के वक्त भी देखे, जब बाद में देखा था आफ्टर डेथ ऑफ मिसेस गांधी, बिल्कुल एक लहराई थी सहानुभूति, उसी में जीते नहीं छोड़ दिया। अच्छा, कुछ तो शिकायतें होंगी, 5 साल में नहीं हुआ कुछ, या नोटबंदी से थोड़ी दिक्कत हुई, जीएसटी से दिक्कत हुई? नोटबंदी से देखो, नोटबंदी जो है वो बात, मतलब मैं कहूँगा कि आप कैसे सोचते हो उस पे डिपेंड है। नोटबंदी के दौरान मेरी शादी हुई थी लेकिन मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। एब्सोल्युटली प्रॉब्लम। देखिए अब सीधे जनता बोल रही है, और लोग ये बता रहे थे कि जिन लोगों की शादियां थी उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई, और ये खुद बता रहे हैं आपको कोई दिक्कत नहीं हुई पेमेंट करने में, कोई कैंसिलेशन ऐसा कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं। तो मतलब आपकी शादी जो है वो नोटबंदी से आप हमेशा याद रखे, लेकिन आपके अनुभव अच्छे हैं? बिल्कुल, अब तक जो कुछ भी डेवलपमेंट देखी है वो मतलब उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड है। आपने अपने अनुभव से जो आकलन लगाया है वो आकलन बड़ा इंटरेस्टिंग है, और जो इन्होंने बताया है, एक शेर मुझे याद आ रहा है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। लेकिन अगर वोटर ये कह रहा है कि कोई मजबूरी नहीं है तो फिर बेवफा होने की जरूरत भी नहीं है, ऐसा हमें समझ में आ रहा है। बाकी 23 मई का नतीजे कैसे होंगे उसके लिए तो इंतजार करना होगा। हम जनता की राय आप तक पहुंचा सकते हैं, और वंदे भारत से आज ये जो स्पेशल एडिशन हम ला रहे हैं आपके सामने उसमें अभी तक जो राय है वो काफी स्पेशल है। स्पेशल 26 की तरह एक ही तरफ जाती हुई नजर आ रही है, और पता करने की कोशिश करते हैं, हो सकता है कुछ बदलाव हो जाए। देश की राजनीति को करीब से जानते हैं हुजूर, कांग्रेस की नीति भी बताई और नीयत भी बताई। खैर वोटर हैं और वोटर के पास सब का लेखा जोखा है। जब हम कंपैरिजन करते हैं कि हमारी आजादी कब मिली, उस हिसाब से हम बहुत पीछे हैं और कंट्रियों, जो कंट्रियां हमसे बाद में भी आजाद हुई आज हमसे बहुत ज्यादा एडवांस है। अच्छा, कांग्रेस वाले ना इस बात का जवाब ये आरोप देके लगाते हैं कि सब कुछ 5 साल में तो हुआ नहीं, कुछ तो हमने भी किया है। हम तो वही तो कह रहे हैं, जो अगर कंपैरिजन किया जाए जो कंट्रीज हमसे बाद में आजाद हुई है वो भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं, हम बहुत ज्यादा पीछे। इसका रीजन कुछ न कुछ तो रहा होगा, बिल्कुल कोई कारण रहा होगा। हम ही लोग तो तब भी वोटर थे जो कांग्रेस की सरकार बना रहे थे। मैडम हमेशा तो यही नीति रही है कि मतलब अंग्रेजों की तरह फूट डालो और वोट ले लो, वो अब तक उस नीति में कामयाब हुई रही, अब आया चुनौती देनी। बिल्कुल। तो बैलेट ट्रेन 2019 का आज का सफर तेजी से चलता हुआ दिल्ली से कानपुर पहुंच गया है, लेकिन वंदे भारत का ये स्पेशल एडिशन जारी रहेगा आगे भी। वंदे भारत का ये खास सफर हम कहेंगे कि मोदी सरकार के लिए मंगलमय रहा, क्योंकि मोटे तौर पर एक ही आवाज आई, लेकिन लोकतंत्र में सरप्राइजेस की गुंजाइश हमेशा रखनी चाहिए, और उन्हीं सरप्राइजेस को ध्यान में रखते हुए हम ये कहेंगे, जमीन की कैसी वकालत हो फिर नहीं चलती जब आसमान से कोई फैसला उतरता है, वो फैसला देश की जनता करेगी और नतीजा 23 मई को आएगा। तब तक के लिए वंदे भारत के स्पेशल एडिशन के सुखद एहसास के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। आज का सफर इतना ही, नमस्कार।